तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम सॉलिड वर्क में क्लीनर सरफेस कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केच ड्रॉ कर लिया है और मैंने उसे स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पर डायमेंशन दे दिए हैं। डायमेंशंस मैं यहाँ पर फिल कर लूँगा। फिल करने के बाद मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा और कमांड से बाहर आ जाऊँगा। कमांड से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे सरफेस मॉड्यूल में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड सरफेस में यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दी है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया है। टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो स्केच अब एक्सट्रूड हो जाएगा। तो अब हम क्लीनर सरफेस कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे वो बाउंड्री एंटिटीज़ मांगेगा। तो आपने कोई भी दो ऑपोजिट एजेस को सिलेक्ट कर लेना है। एजेस को सिलेक्ट करते ही वो क्या करेगा, उस एंटिटीज़ की जो शेप होगी उसके अकॉर्डिंग उन दोनों एंटिटीज़ के बीच में एक सरफेस क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए हमारा जो प्लेनर सरफेस कमांड है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से हमने एक और कमांड की थी जिसमें हमने बाउंड्री सेलेक्ट की थी, वो थी फील्ड सरफेस कमांड। तो यहाँ पर मैं फील्ड सरफेस कमांड और इन दोनों कमांड्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फील्ड सरफेस कमांड में क्या होता था, हमें चारों एजेस को सिलेक्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं अभी ऑपोजिट एजेस को सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑपोजिट एजेस को जैसे सिलेक्ट किया उसने सरफेस नहीं क्रिएट किया, क्योंकि फील्ड सरफेस में हमें चारों एजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने चारों एजेस को सिलेक्ट किया उसको बाउंड्री मिल गई और उसने उन बाउंड्रीज के बीच में एक सर्फेस को क्रिएट कर दिया। तो प्लेनर सर्फेस और फील्ड सर्फेस में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि जो एजेस सिलेक्शन है प्लेनर सरफेस में ऑपोजिट एजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है और फील्ड सरफेस में हमें चारों एजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।